हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लासेस। और आज हम एक्सरसाइज 2.4 के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क के लिए दिए थे, कुछ बच्चों के सोल्व हो गए हैं, कुछ ने क्वेरीज दी हैं, तो पहले उनको करते हैं उसके बाद आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जहां पर शोबो और शोबो की मदर की एज की बात हुई है। सबसे पहले आप यहां पे देखोगे लिखा हुआ है शोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज, यानी कि शोबो की मदर की एज क्या है, 6 टाइम है शोबो से। तो आपको जब तक शोबो की एज नहीं पता चलेगी तब तक मदर की एज भी पता नहीं चल सकती। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, let the present age of Shobo is equal to x years and the present age of Shobo's mother कितनी हो जाएगी, 6 time of the Shobo, 6x years। ओके, नाउ यहां पर एक कंडीशन दी है, 5 ईयर फ्रॉम नाउ, दैट मीन्स फ्यूचर की बात कर रहा है। अगर आज शोबो 10 साल का है तो 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, 15 ईयर। दैट मीन्स अगर आज एक्स का है तो एक्स प्लस 5 ईयर्स। तो यहां पे लिखेंगे 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ एज ऑफ शोबो कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 ईयर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी है वो क्या दी है, दैट्स शोबो आफ्टर 5 ईयर्स, नाउ 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ 1/3 ऑफ हिज मदर एज, शोबोज एज विल बी 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज। मदर की प्रेजेंट एज लेनी है और शोबो की फ्यूचर एज लेनी है, दोनों का कंपैरिजन दिखाना है। तो देखते हैं, शोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, दैट मीन्स x प्लस 5, इज 1/3 ऑफ द मदर्स प्रेजेंट एज। ठीक है, 1/3 ऑफ द मदर्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज तो 6x है और शोबो की क्या ली हमने, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, फ्यूचर वाली एज ले ली। अब इन दोनों का कंपेरिजन करना और सोल्व करना, बहुत सिंपल है, 3 × 2 = 6। अब क्या करेंगे, यहां से आप क्या करो, इसको शो करो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x। नाउ 5 को तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, 2x को लेफ्ट हैंड साइड। तो इससे क्या होगा, x माइनस 2x और इज इक्वल टू माइनस 5, बिकॉज यहां पर आएगा तो 2x जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा माइनस हो जाएगा, 5 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहां से आपको मिला आंसर माइनस x और यहां से माइनस 5, x से x जो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई, 5 ईयर्स। ओके, 5 ईयर्स। और हमें क्या फाइंड आउट करना, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, यानी कि दोनों की प्रेजेंट एज कितनी होगी। तो सिंपल हो गया, हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ शोबो कितनी है, x, दैट मीन्स 5 ईयर्स, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ शोबोज मदर, मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 6x, दैट मीन 6 × 5 विच इज इक्वल टू 30 ईयर्स। वेरी सिंपल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें तो इसमें आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया जो रिजर्व है किसी स्कूल के लिए, और वहां पर आपको लेंथ और ब्रेथ की रेशो दी गई है 11:4। उसके बाद आपको कहा गया है उसे फेंस करना है, फेंस का मतलब होता है उसके चारों तरफ बाउंड्री बनानी है, वो दीवारों से भी हो सकती है और आयरन वायर से भी हो सकते हैं, आयरन की वॉल वायर्स लगा देते हैं, उससे क्या होता है फेंसिंग, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, जंगली जानवर वगैरह अंदर नहीं आ सकते या बच्चे भी फांद के बाहर नहीं जा सकते, समथिंग लाइक दैट। उसको हमें क्या करना है, चार दीवार से कवर करना है, दैट मीन्स पेरीमीटर की बात हो रही है, ठीक है। और जो फेंसिंग का खर्चा है वो क्या है, 100 रुपीज़ पर मीटर। और टोटल कॉस्ट जो आई है पंचायत को वो आपकी आई है 75,000 रुपीज़। ओके, तो अब हमें ये बताना है कि उस स्कूल की या उस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ कितनी है। तो देखते हैं
सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं जहां पर रेशो दी जाएगी तो पहले रेशो की बात करेंगे। तो यहां पर क्या है, रेशो, द रेशो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू, या इज भी लिख सकते हो आप, इज 11:4। सो नाउ आपको जब भी रेशो दी जाती है सेकेंड लाइन में क्या करना है, कॉमन फैक्टर लेट करना है आपको, लेट द कॉमन फैक्टर, लेट द कॉमन फैक्टर ऑफ द रेशो, ऑफ द रेशो, जो भाई रेशो है इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, हम लेट कर लेते हैं एक्स। कॉमन फैक्टर होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर क्या है 20 और नीचे लिखा हुआ 25, क्या ये रेशो है? नहीं, ये क्या है, फ्रैक्शन। रेशो कब बनती है, जब मैं इसे 5 से कट कर दूंगा, 5 4 जा एंड 5 5 जा, अब ये क्या है, आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, 4:5। दैट मीन्स कोई एक ऐसा नंबर रहा होगा, एक कॉमन नंबर ऐसा रहा होगा जिसने इन दोनों को कैंसिल किया। इस केस में वो कॉमन नंबर कौन था, 5, जिसने इन दोनों को कैंसिल कर दिया, ठीक है, और रेशो आ गई 4:5। लेकिन हमें कभी भी अपने आप से नहीं पता चल सकता कि उस रेशो में कॉमन फैक्टर क्या है, क्योंकि हमें तो सिर्फ क्या मिला है, रिजल्ट, हमें तो सिर्फ क्या मिला है, रिजल्ट। जब अगर प्रॉपर नंबर मिलता तो हम बता सकते थे, इसलिए अगर क्योंकि प्रॉपर नंबर नहीं पता तो हम क्या करते हैं, एक्स को लेट कर लेते हैं। दैट्स वाई जरूरी होता है आप हमेशा कॉमन फैक्टर को लेट करें जब भी आपको रेशो मिलती है। ओके, सो नाउ अब आपका लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगा, तो यहां पे लिख देंगे, सो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर 11x एंड 4x रिस्पेक्टिवली। अभी रिस्पेक्टिवली वर्ड किस लिए है, रिस्पेक्टिवली वर्ड इसलिए है ताकि पहले कौन आया लेंथ, तो लेंथ कौन है 11x, बाद में कौन आया ब्रेथ, तो वो कौन है 4x, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सो नाउ अगर हम देखें तो आपके पास लेंथ आ चुकी है, ब्रेथ आ चुका है, अब आप क्या करें, पेरीमीटर निकालें इसका, क्योंकि आपको क्या करना है, फेंसिंग चारों तरफ करनी है, दैट मीन्स पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट विच इज इक्वल टू 2 times ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ की वैल्यू कितनी है 11x और ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 4x। ओके, तो 2 × 15x 11+4 और आंसर क्या आ गया 30x मीटर। तो ये क्या हो चुका है आपका, एक तरीके से पेरीमीटर आ चुका है, ठीक है। अब आपको कोस्ट देखनी है, कोस्ट जितनी भी आई है, तो यहां पर देखो द कोस्ट ऑफ 1 meter इज इक्वल टू ₹100 एंड कॉस्ट ऑफ 30x मीटर इज इक्वल टू ₹75,000। देखो यहां पर तो मीटर आ गया, निकलता कैसे आंसर जब आप इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, या फिर मैं इसको ऐसे भी शो कर सकता हूं, 30x मीटर, एक ये क्या इतना हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब 1 meter के लिए 100 है तो सबके लिए कितना हो जाएगा, ये टोटल पैसा आ गया और यहां से क्या आ जाएगा ₹75,000। दिस इंप्लाइज 30x मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 75,000। अब आपको क्या करना है, 30 जो इसके साथ मल्टीप्लाई है और 100 ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई है x के साथ, तो दोनों को क्या करोगे आप, डिवाइड में ले जाओगे, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 75 and 000 दैट मीन 75,000 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100, बिकॉज दोनों ही कहां जाएंगे, डिनोमिनेटर में, तो 0 से 0 कैंसिल एंड 0 से 0 कैंसिल, 3 से 25 पर ये कैंसिल हो जाएगा,
x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 25 मीटर। अब आपको तो क्या बताना है यहां पर, आपको बताना है लेंथ और ब्रेथ। तो x की वैल्यू 25 आ चुकी है, अब यहां पे लिख सकते हो हैंस लेंथ इज इक्वल टू 11x विच इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 25, जिससे कि आपका आंसर आ जाएगा 275 मीटर। एंड ब्रेथ, ब्रेथ की वैल्यू देखे तो ब्रेथ कितना है आपका 4x विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 25, दिस इज इक्वल टू 100 मीटर। स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही, और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए आप इसे ट्राई कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।